फैना बाग खरा रखा प्रसारक अरय परयंग तंगफुरु दीप्रसारक अरय परयंग तंगफुरु चुंग सचाना बागे खरांग रेखा बुबाग्रा काल तो आप तो टिपरा मठा का है टीचर था और कोई लोगों ने बोला था टिपरा मठा का कुछ डिमांड के लिए उसको काल वो हैंग रस्ते कर का। नहीं है ये मेरा पर्सनल है एज बुबाग्रा पार्टी से बड़ा अपना जाति होता है और मैं ये बात अच्छे तरीके से समझता हूँ। आज अगर हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ देता है तो ये सिर्फ मोथा के लिए नहीं है, ये तिप्रासा के लिए। अगर आज हम लोग का बच्चा लोग अच्छा से हम लोगों को स्कूल मिलता है, परीक्षा उस स्क्रिप्ट से लिखा जाए जिससे हम लोग लिखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ मोथा के लीडर्स के लिए नहीं होगा, सब पूरा तिप्रासा के लिए। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोगों को पट्टा देता है ज़मीन के लिए, अधिकार देता है, 95% हानि पुसा भूमि है। अगर ये ज़मीन का अधिकार मिलता तो सिर्फ मोथा का लीडर्स के लिए नहीं, सब के लिए। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा कम्युनिटी जिसके संग हमारा परिवार ने इतने साल से हम लोग एक रहे उनको कुछ मिले। मेरा तबीयत ठीक नहीं है मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ज़्यादा दिन नहीं स्ट्रगल कर पाऊँगा। तो जब तक जिंदा हूँ अपने लोगों को कुछ दूंगा तो भगवान भी ऊपर में मुझे एक जगह देगा। लेकिन अगर मैं अपने लोगों को कुछ नहीं दे पाया तो मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। और एमपी बन के गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, मंत्री बन के बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा। गाड़ी तो है पहले से, घर भी है, लेकिन लोगों का दिल में अगर जगह आपको बनाना है तो त्याग देना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो अब मैं आपको अपील करता हूँ, आप लोग भी आज मीडिया में हैं, आप लोग सिर्फ मीडिया नहीं, आप लोग भी तिप्रासा है, अपने बच्चे के बारे सोचो। मेरा तो कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई फैमिली नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कष्ट आप लोग ने देखा है, जो आपके माँ बाप ने देखा है, वो आपको बच्चा को नहीं देखना चाहिए। बस वही मैं सबसे अपील करता हूँ, कोई भी हो, पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग आओ सपोर्ट करो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना चाहिए कि ये आप लोग हम लोगों को इग्नोर करके सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकते। बस, और किसी के अगेंस्ट भी नहीं है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि जो आए हैं उनको बाहर करो, जो है आ गए हैं, लेकिन आने वाले दिन में बांग्लादेश से अगर और लोग आएंगे, आने वाले दिन में और हम लोग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो हम लोगों का क्या फ्यूचर है, उसके बारे तो चिंता करना चाहिए। बस यही मैं बोलूँगा। थैंक यू बुबाग्रा। हम बुबाग्रा कल यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी के फ्लैग नहीं होगा, इसलिए होगा कल यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी का कुछ फ्लैग नहीं होगा, इसलिए वो ये मैसेज किस लिए नहीं होगा पॉलिटिकल पार्टी का कुछ? क्योंकि अगर ये पार्टी का प्रोग्राम है तब सब लोग कल बोलेंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि आपका बच्चा, मैं आपको जानता नहीं, लेकिन आपका बच्चा का अगर कल फ्यूचर बच जाए तो ये पार्टी के लिए होगा कि जाति के लिए होगा? और पॉलिटिक्स बहुत हो चुका है, अब लोगों को कुछ देना है। और मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, अगर मैं अनसक्सेसफुल रहा तो मैं मर जाऊँगा, अब आप लोग किसी और को पकड़ के लाइए। लेकिन मैंने दिल से अपने लोगों के लिए काम किया है, मैं दिल से अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, और अगर मैं फेल हो गया तो मुझे चिंता है कि मेरे बाद तिप्रासा का क्या होगा। लेकिन आप लोग स्ट्रांग रहिए, आप लोग स्ट्रांग रहेंगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरा ज़िंदगी, मेरा सैक्रिफाइस भी, मेरा बलिदान भी वेस्ट में नहीं।
वगैरह कल का हंगर स्ट्राइक में कल का मूल डिमांड किया थे और कल का गवर्नमेंट को हम लोग से ऑफिशियली राइटिंग में अश्योरेंस देना चाहिए कि वो हमारे भविष्य को बचाने के लिए बात करें। ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट अ ओके।